वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब एंड अगेन आई एम विद अ न्यू सेट ऑफ प्रीपोजिशंस फ्रॉम शीट नंबर डेली डोज शीट नंबर 1. सो लेट्स सी व्हिच प्रीपोजिशंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर टुडे. ओके, दिस इज ओके prepositions and all prepositions are very important for your exams. So let's see first preposition by dint of means ke bal par. जब आप किसी चीज के बल पर कोई कार्य करते हैं, कोई सफलता पाते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? By dint of means के बल पर. She passed the exam. यानी उसने वो एग्जाम पास कर लिया. कैसे पास किया? बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क. किसके बल पर? हार्ड वर्क के बल पर. तो कहीं भी अगर बाय डिंट ऑफ अगर आपको यूज करके दिया गया है तो तुरंत समझ जाए कि बाय डिंट ऑफ मीन्स के बल पर. याद हो जाएगा ना, बाय डिंट ऑफ के बल पर. नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका है With reference to क्या होता है? के संदर्भ में. जब आपको किसी चीज के रेफरेंस में कुछ कहना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? विद रेफरेंस टू. जैसे मैं कहना हो आपके पत्र के संदर्भ में तो क्या कहेंगे? विद रेफरेंस टू योर लेटर. ओके, हमें कहना आपके कथन के संदर्भ में तो क्या कहेंगे? With reference to your statement, okay? तो with reference to means के संदर्भ में. With reference to your letter, है ना? यानी आपके पत्र के संदर्भ में. Hereby I submit my reply. I hereby submit my reply. मैं अब अपना जवाब क्या कर रहा हूं? Submit कर रहा हूं, प्रेषित कर रहा हूं. तो कभी भी अगर कहीं विद रेफरेंस टू है तुरंत समझ जाए विद रेफरेंस टू मीन्स के संदर्भ में. तो बाय डिंट ऑफ के बल पर, विद रेफरेंस टू मीन्स के संदर्भ में. तीसरा प्रीपोजिशन है आपका ऑन बिहाफ ऑफ. क्या लिखा है? ऑन बिहाफ ऑफ. ये आपका है ऑन बिहाफ. बहुत बार होता है ना, जैसे आपकी तरफ से कोई कार्य कर रहा है तो ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू. या आपकी तरफ से कोई किसी इनविटेशन में जा रहा है तो ही इज गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू. तो ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स के स्थान पर या की तरफ से. हो जाएगा My brother went to receive the award. यानी मेरा भाई went to receive, लेने गया the award, उस पुरस्कार को on behalf of me. किसकी तरफ से? मेरी तरफ से. तो कहीं भी अगर on behalf of लगा है तुरंत समझ जाए on behalf of means की तरफ से. Second last है आपका in lieu of. हम सब जानते हैं इन लियो ऑफ मीन्स होता है के बदले में. जब आप प्रोनाउन का डेफिनेशन याद कर रहे थे तो आप याद होगा प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. तो इन द प्लेस ऑफ के स्थान पे क्या लगा सकते हैं आप? इन लियो ऑफ. जैसे यहां पे इन लियो ऑफ मीन्स के बदले में. प्रोनाउन इज यूज्ड इन लियो ऑफ अ नाउन, यानी एक नाउन के बदले में. इन लियो ऑफ क्या हो गया? के बदले में हम प्रोनाउन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं. तो इन लीव ऑफ मीन्स के बदले. और ये लास्ट है इन रिलेशन टू. इन रिलेशन टू मीन्स की तुलना में, इन कंपैरिजन टू कहते हैं ना, की तुलना में. हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर याद है आपको? एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च. हिज एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई. वो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है इन रिलेशन टू हिज सैलरी. किसकी तुलना में? उसकी सैलरी की तुलना में.
यानी उसकी सैलरी की तुलना में उसका जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है. तो इन रिलेशन टू मीन्स की तुलना में. हमने पांच प्रीपोजिशंस देखे. कौन कौन से पांच प्रीपोजिशंस हमने देखे? पहला हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो है आपका ये बाय डेंट ऑफ. बाय डेंट ऑफ कहीं लिखा हो, बाय डेंट ऑफ मीन्स के बल पर. क्या होता है बाय डेंट ऑफ? के बल पर. दूसरा लिखा हो विद रेफरेंस टू. विद रेफरेंस टू कहीं भी लिखा हो मीन्स तो के संदर्भ में. तीसरा हमने पढ़ा ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स के स्थान पर या की जगह पर होगा ना. और चौथा हमने पढ़ा इन लियो ऑफ मीन्स तो के बदले में. और पांचवा हमने पढ़ा इन रिलेशन टू मीन्स तो की तुलना में. अब इन पांचों पर हम एक्सरसाइज करते हैं जो सबसे बढ़िया सेगमेंट होता है. एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं क्या इतना पोर्शन हमारा तैयार हो गया. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज ऑन प्रीपोजिशंस. ओके, यू कैन गेट सक्सेस. आप सफलता पा सकते हैं डैश ऑफ योर हार्ड वर्क. किस चीज के द्वारा? इन रिलेशन टू ऑफ योर हार्ड वर्क या बाय डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क या इन लियो ऑफ योर हार्ड वर्क या विद रेफरेंस टू योर हार्ड वर्क. सबसे पहले ये ऑफ कर देते हैं. कर देना दिस इज ओके. तो ये ऑफ नहीं रहेगा. यू कैन गेट सक्सेस डैश योर हार्ड वर्क. आप यही कहेंगे अपनी कठिन परिश्रम के बल पर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? सफलता प्राप्त कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा यहां पे आपका? बाय डेंट ऑफ हो जाएगा. यू कैन गेट सक्सेस बाय डेंट ऑफ योर हार्ड वर्क यानी अपने कठिन परिश्रम के बल पर आप सफलता पा सकते हैं. नेक्स्ट आपका है डैश योर लेटर. आई हियर बाय सबमिट माय रिप्लाई. क्या कहना चाहें? ऑन बिहाफ ऑफ योर लेटर आपके पत्र की तरफ से या इन लियो ऑफ योर लेटर आपके पत्र के बदले में या विद रेफरेंस टू योर लेटर आपके पत्र के संदर्भ में या बाय वर्च्यू ऑफ. बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स भी होता है के बल पर. तो आपके पत्र के बल पर आप समझ लेंगे क्या होगा यहां. क्या हो जाएगा? विद रेफरेंस टू हो जाएगा. विद रेफरेंस टू योर लेटर आपके पत्र के संदर्भ में आई हियर बाय सबमिट माई रिप्लाई. मैं क्या प्रेषित कर रहा हूं? अपना जवाब अब प्रेषित कर रहा हूं. तो यह हो जाएगा विद रेफरेंस टू. दिस इज प्रोनाउन इज यूज्ड डैश और नाउन. कर लेंगे बिल्कुल आसान. प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है एक नाउन के बदले में. यही ना, के बदले में. क्या विद रेफरेंस टू होगा? नहीं, विद रेफरेंस टू के संदर्भ में होता है. बाय डिंट ऑफ होगा? नहीं, बाय डिंट ऑफ मीन्स के बल पर होता है. ऑन बिहाफ ऑफ होगा? नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की तरफ से होता है. या इन लियो ऑफ होगा? बिल्कुल होगा. इन लियो ऑफ मीन्स तो के बदले में. तो प्रोनाउन इज यूज्ड इन लियो ऑफ ऑफ नाउन हो जाएगा. नेक्स्ट योर डिमांड्स मीन्स आपकी जो डिमांड्स है आपकी मांगे हैं. योर डिमांड इज वेरी हाई. आपकी डिमांड बहुत अधिक है. इन रिलेशन टू ये वो ना, इन रिलेशन टू आवर कैपेसिटी. इन रिलेशन टू मीन्स की तुलना में हो जाएगा. तो योर डिमांड इज वेरी हाई इन रिलेशन टू आवर कैपेसिटी. यानी ये आंसर आपका हो जाएगा इन रिलेशन टू. तो योर डिमांड इज वेरी हाई इन रिलेशन टू आवर कैपेसिटी. और लास्ट है आपका यू कैन अटेंड दिस मीटिंग. आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो डैश मी. क्या इन रिलेशन टू मी होगा? नहीं, इन रिलेशन टू मीन्स की तुलना में होता है. क्या बाय डेंट ऑफ होगा? के बल पर. क्या मेरे बल पर इस मीटिंग में आपको आप अटेंड कर सकते हो? सुटेबल नहीं है, प्लॉजिकल नहीं. ऑन बिहाफ ऑफ हो जाएगा. ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की तरफ से. तो यू कैन अटेंड दिस मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी हो जाएगा. आप मेरी तरफ से यहां ऑन बिहाफ
ऑफ मी होगा, ऑन बिहाफ ऑफ मी, ये मी ऑलरेडी है आपका, इस मी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी यू कैन अटेंड दिस मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, आप मेरी तरफ से यह मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो आज हमने पांच प्रीपोजिशंस सीखे, कौन कौन से पांच प्रीपोजिशंस, अगर हम तैयार कर लें ये हमारे काम आएंगे हर हाल में। ये देखिए पहला प्रीपोजिशन लॉस्टली फिर से देख लें, पहला प्रीपोजिशन बाय डेंट ऑफ यानी के बल पर, दूसरा विद रेफरेंस टू यानी क्या हो जाएगा के संदर्भ में, तीसरा प्रीपोजिशन ऑन बिहाफ ऑफ के तरफ से, चौथा इन लीव ऑफ के बदले में किसी चीज के स्थान पर, और इन रिलेशन टू मींस पांचवा हमने सीखा के तुलना में। जो शीट वन डेली डोज की शीट वन है उसमें सेट फर्स्ट करके मैंने पहले दिया था, अब ये शीट वन से आप सेट टू सब तैयार कर रहे हैं, तैयार करते जाएं, एक समय आपकी पूंजी हो जाएगी और आप 40-50% क्वेश्चंस डेली डोज से मेरे आप पा सकते हैं, छोटी छोटी मेहनत के द्वारा मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में आप। ओके, कल फिर नेक्स्ट लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स के साथ आपसे सीट नंबर वन के सेट टू में मैं मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।